सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में सी नारायण उपस्थित हो गया है भाई। लेकर दिन विशेष जो है 16 जुलाई के, जी हाँ बहन भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल, सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज भाई है, जो जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जी हाँ बहन भाइयों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और इसका आज का रहा ये सुविचार। आज छोटे छोटे दो सुविचार हैं, तो लीजिए। पहला सुविचार, ख्वाबों के अंदर जिंदा मत रहो, बल्कि ख्वाबों को अपने अंदर जिंदा रखो। जी हाँ बहन भाइयों, बहुत ही बढ़िया छोटा सा सुविचार, ख्वाबों के अंदर जिंदा मत रहो, बल्कि ख्वाबों को अपने अंदर जिंदा रखो। दूसरा छोटा सा सुविचार है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इसलिए वही सोचो जो आप बनना चाहते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, इसलिए वही सोचो जो आप बनना चाहते हैं। तो ये हुआ भाई आज के ये दो सुविचार और आज का सवाल। आज का सवाल ये है, किस देश में मोटा होना गैर कानूनी है? जी हाँ बहन भाइयों, जाड़ा होना यानी मोटा होना किस देश में गैर कानूनी है? तो सोचिए और ढूंढिए सवाल का जवाब। अगर आपको इस सवाल का जवाब ना मिले तो मैं हूँ ना, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, अंत में इसका जवाब मैं दूंगा। तो चलिए बहन और भाइयों, आज है कॉमन सर्विस सेंटर डे, कॉमन सर्विस सेंटर दिवस आज है, और आज विश्व सर्प दिवस है यानी वर्ल्ड स्नेक डे। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं भाई आज के दिन विशेष की ओर, जिसमें ये रहे कुछ आज के ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं 16 जुलाई के। ईसा पूर्व 622 में प्रेषित मोहम्मद पैगंबर, इन्होंने मदीना से प्रयाण किया। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर की शुरुआत इसी दिन से हुई। 1661 में स्वीडिश बैंकों ने यूरोप में पहले नोट्स जारी किए। 1935 में ओक्लाहोमा में दुनिया का पहला पार्किंग मीटर, जो ऑटोमेटिक था, ये मीटर लगाया गया। 1945 में अमेरिका ने पहले बम का परीक्षण किया। 1965 में इटली और फ्रांस को जोड़ने वाले माउंट ब्लैंक इस बोगदा का उद्घाटन हुआ। 1969 में चांद पर पहले मानव को ले जाने वाला अपोलो 11 इस अंतराल यान का फ्लोरिडा से प्रक्षेपण हुआ। 1992 में भारत के 9वें राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा चुने गए। 1951 में ब्रिटेन ने नेपाल को आज़ाद किया। 1981 में भारत ने अणुबॉम्ब का परीक्षण किया। 1998 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबाई पटेल, इन्होंने स्कूलों में पाल्य के नाम के साथ पिता के नाम के जैसे ही माँ का नाम भी लगाने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। 2007 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद, इनको भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया। जी हाँ बहन भाइयों, सत्रह सौ नब्बे में अमेरिका कांग्रेस ने कोलंबिया की स्थापना की। 1798 में अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विभाग बना और अमरीकी मरीन अस्पताल अधिकृत रूप से किया गया। 1856 में
हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली और इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने भारी भरकम प्रयत्न किए थे। 1890 में पार्किंसस नामक एक डॉक्टर ने पार्किंसस बीमारी और उसके अस्तित्व में आने की प्रक्रिया के इस प्रक्रिया के बारे में अपनी जांच पूरी की और उन्हीं के नाम पर इस बीमारी को पार्किंसस रखा गया। 1925 में इराक में राजा फैसल ने बगदाद में पहली संसद स्थापित की। 1950 में फुटबॉल विश्व कप के चौथे संस्करण के फाइनल में ब्राजील को हराकर उरुग्वे ये चैंपियन बना। 1970 में इराक में संविधान लागू हुआ। 1990 में यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 2001 में जैक्स रोगे बेल्जियम के थे, विश्व ओलंपिक समिति के 8वें अध्यक्ष बने। 2002 में पराग्वे, ये देश का नाम है, पराग्वे में आपातकाल घोषित हुआ। 2004 में चीन ने उत्तरी चीन के सबसे बड़े तटीय शहर जिसका नाम था त्यानचिन में पहला ऑनलाइन वायु सुरक्षा अभ्यास किया। 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोरिया पर प्रतिबंध लगाए गए। 2015 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो ग्रह की क्लोजअप तस्वीरें जारी की। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के देखते हैं जन्मदिन जो है 16 जुलाई के। ब्रिटिश चित्रकार रॉयल अकादमी के पहले अध्यक्ष सर जोशुआ रेनॉल्ड्स 1723। स्वतंत्रता सेनानी और मरणोत्तर जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया, ऐसे अरुणा अशफ अली 1909। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती 1913। मराठी साहित्यिक वाक्रु चोरघड़े 1914। लेखक नाटककार जगदीश चंद्र माथुर 1917। भूदल प्रमुख के वी कृष्णराव 1923। नोबेल पारितोषिक विजेता और जर्मन और माफ कीजिएगा अमरीकी जीवशास्त्री इरविन रोज 1926। अभिनेता निर्माता श्रृंगी नागराज 1939। लेखक और अंग्रेजी के प्राध्यापक प्रहलाद इरबाजी सोनकामले 1943। हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले 1968। विकिपीडिया के सह संस्थापक लैरी सेंजर्स 1968। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी शॉन पॉलॉक 1973। अभिनेत्री कैटरीना कैफ 1983। अभिनेत्री स्वप्ना वाघमारे जोशी 1966। सिंगर मुलाजिम हुसैन 1990। फिल्म डायरेक्टर टी आर रघुनाथ 1912। क्रिकेट खिलाड़ी बबीता मंडलिक, ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं 1981। ग्वालियर जयपुर आगरा घराने के शास्त्रीय गायक विकास कशालकर 1950। अभिनेत्री लीना जुमानी 1990। नॉर्वे के पॉलिटिशियन, मजदूर नेता, लेखक और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सरचिटनिस त्रिग्वे हलवदान ली 1896। अभिनेत्री अंजलि अनिश
उपासना तथा अंजलि नायर 1988, अभिनेत्री नर्मदा तथा टीना अहुजा 1989। तो ये हुए आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है 16 जुलाई के, हंगेरी का राजा चार्ल्स पहला 1342, अब्राहम लिंकन की पत्नी मेरी टोड लिंकन 1882, इतिहासकार वासुदेव सीताराम बेंद्रे तथा वासी बेंद्रे 1986, रामपुर सहसवान इस घराना के ख्याल गायक उस्ताद निसार हुसैन खान 1993, नोबेल पारितोषिक विजेता अमरीकी भौतिक शास्त्री जूलियन श्वाइंगर 1994, रैमन मैक्सेसे पुरस्कार सम्मानित कन्नड़ नाटककार के वी सुबन्ना 2005, कर्नाटक संगीतकार तमिल फिल्म गायिका पद्मभूषण पद्म विभूषण से सम्मानित दमल कृष्णस्वामी पट्टमल 2009। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं। तो चलिए बहनों भाई, अरे हाँ जी हाँ, सवाल का जवाब, जी हाँ हाँ याद है, ख्याल में है, तो सवाल का जवाब देना बाकी है। तो सवाल क्या था भाई? सवाल था, किस देश में मोटा होना गैर कानूनी है? तो जापान, उस देश का नाम है जापान। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को वहाँ पर एक नाम दिया गया है जिसका नाम है मेटाबो लॉ। मेटाबो, इसका स्पेल करता हूँ मैं, स्पेलिंग MEM फॉर मुंबई, MET T फॉर टेबल, AB B फॉर ब्रदर, O METABO, METABO, मेटाबो लॉ, LAW लॉ, मेटाबो लॉ कहते हैं। और यहाँ इस पर सज़ा तो कुछ नहीं होती है, लेकिन भाई जो मोटा हो गया है उसको पतला करने के लिए उसे क्लास लगानी पड़ती है, पतला होने की क्लास लगानी पड़ती है। और भाई इस जो भी कोई मोटा हो तो उस पर लोग हंसते हैं, उसे कुछ अलग तरीके के देखते हैं। तो ये कुछ बातें हैं भाई। तो मोटापा होना यहाँ पर गैर कानूनी है। तो चलिए बहनों भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप गूगल सर्च कीजिएगा। और अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी हाँ बहनों भाइयों, कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी सूचनाएँ हो वो लिखिएगा। तो चलिए बहनों भैया, अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहनों भाइयों, श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, अलविदा।